राधे कृष्ण दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं CGTT यानी कि शिक्षक पात्रता भर्ती की। देखिए, जिसका एग्जाम की 18 सितंबर को है, साथ ही इसमें 6 लाख से ज़्यादा फॉर्म भरे जा चुके हैं। कितने लाख? 6 लाख से ज़्यादा फॉर्म भरे जा चुके हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा की, जिसके एग्जाम 18 सितंबर को होनी है। साथ ही आज सभी के लिए बेस्ट क्लासेस लाए हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से, जो कि 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से। महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे, जो कि एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन आने के संभावनाएं बढ़ जाती है। CGTET में बाल विकास से 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक बार वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। साथ ही जो लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर सामाजिक मूल्य वे वस्तुएँ हैं, आप सभी के लिए क्वेश्चन लाए थे, सामाजिक मूल्य वे वस्तुएँ हैं जो हमारे लिए अर्थपूर्ण हैं, तो आपका बी आंसर हो जाएगा। तो पिछले वीडियो में 19 से 20 लोगों का आंसर सही आया था। तो चलिए देखिए, एक बार यहाँ पर एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, आप सभी के लिए लाए हैं। एक बार वीडियो को देखने से पहले इसे अवश्य समझिएगा। आगामी भर्ती परीक्षाएं जो कि शिक्षक भर्ती अभी निकली है हाल ही में, हाल ही में जो चर्चा में है शिक्षक भर्ती, जो कि सरगुजा और बस्तर संभाग में 12,489 पद, ठीक है, यहाँ पर 12,489 जो पद है शिक्षक भर्ती को लेकर है। साथ ही ADO की जो आगामी एग्जाम में होने वाली है, या फिर छात्रावास अधीक्षक या सहकारिता विभाग या अमीन पटवारी, देखिए अमीन पटवारी में 400 पद, सहकारिता विभाग में 3,000 पद, छात्रावास अधीक्षक में 400 पद, ADO जो लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, ADO की, ठीक है, सहायक विकास विस्तार अधिकारी जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 250 से लेकर 300 पद आने के संभावनाएं हैं। और RI यानी कि रिवेन्यू इंस्पेक्टर के 80 पद, और साथ ही 26 नवंबर 2022 से देखिए यहाँ पर CGPSC का जो एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आता है। अगर जो लोग व्यापम की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे ADO हो गया या छात्रावास अधीक्षक हो गया या अमीन पटवारी हो गया, तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर ADO और छात्रावास अधीक्षक की जो क्लासेस है हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट पर, ठीक है, प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर पूरी क्लासेस अपलोड कर दी गई है। डेली एक एक वीडियो देखिएगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ADO और छात्रावास की। अमीन पटवारी का भी क्लास जल्द लाएंगे, ये दोनों में से एक एग्जाम आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ADO या फिर छात्रावास अधीक्षक की, ठीक है। अगर जो लोग चैनल पर नए हैं या नए स्टूडेंट हैं, तो जल्दी से वीडियो को क्या करोगे, सब्सक्राइब करके रख लो, ठीक है, और वीडियो को एक लाइक करके चलिए, ठीक। अब बात करते हैं बाल विकास की, जो क्वेश्चन लाए हैं आप सभी के लिए शिक्षक यानी कि TET के लिए, जो कि शिक्षक के कब से 18 सितंबर से इसका एग्ज़ाम है, ठीक है। तो देखिए, इसमें मैं एक बात बताऊं, 6 लाख से ज़्यादा लोग फॉर्म भर चुके हैं CGTT में, यानी कि कंपटीशन बहुत हाई लेवल होने वाला है। तो इसलिए मैं आप सभी को बोल रहा हूँ, वीडियो को एक बार ज़रूर देखें लास्ट तक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। बालक का विकास प्रारंभ होता है, तो चलिए बालक का जो विकास होता है प्रारंभ कब से होता है, तो जन्म से, या जन्म से पूर्व, या गर्भावस्था में, या गर्भावस्था से पूर्व। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, गर्भावस्था में, ठीक है, बालक का जो विकास होता है गर्भावस्था में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु में व्यवहार का आधार होता है, जो शिशु होता है बच्चा, ठीक है, वो व्यवहार का आधार क्या होता है, तो व्यवहार का आधार क्या होता है, तो इसका संवेग आएगा, या मूल प्रवृत्ति, या अनुकरण, या सुझाव। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, संवेग, जो कि शिशु में व्यवहार का आधार होता है, ठीक है। बाल्यावस्था में कौन से संवेग सर्वाधिक प्रभावशाली होते हैं? देखिए, बाल्यावस्था में कौन सा संवेग है जो सर्वाधिक प्रभावशाली होता है, तो आपका दुख और सुख, ठीक है। बाल्यावस्था में 5 वर्ष से 12 वर्ष को बाल्यावस्था कहा गया है, बाल्यावस्था का मतलब होता है 5 वर्ष से 12 वर्ष, ठीक, और इसका आंसर डी आएगा, दुख और सुख, ठीक है। इसके बाद बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं, क्यों कहा जाता है, इसमें अनेक परिवर्तन आते हैं, या फिर इसमें व्यवहार में भिन्नता देखी जाती है, या फिर बालक संवेगों का प्रदर्शन करते हैं, या फिर इसमें बालक क्रांतिकारी होते हैं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन का आंसर ये होगा, जो कि बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है, क्योंकि इसमें अनेक परिवर्तन आते हैं, बहुत सारी परिवर्तनें आती है बाल्यावस्था में, ठीक है। नेक्स्ट है, विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत
अधिक महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, जो लोग नए हैं तो बिल्कुल वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा बच्चों के व्यवहार का अध्ययन, ठीक है। बच्चों के व्यवहार का जो अध्ययन होता है विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। इसके बाद है बालक की निर्माण काल, ठीक है। बालक का जो निर्माण काल है, देखिए यहाँ पर एक बालक का निर्माण काल की जो अवस्था होती है कौन सी मानी जाती है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, शैशवावस्था, ठीक है। शैशवावस्था का मतलब होता है यहाँ पर 0 से 5 वर्ष की उम्र को शैशवावस्था कहा जाता है। और किशोरावस्था की बात करें तो ये किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष को किशोरावस्था कहा जाता है, ठीक है। तो आप बताइए वृद्धावस्था किस उम्र में कहा जाता है, ठीक है। आप सभी के लिए कमेंट में आप आंसर इसका जरूर दें, वृद्धावस्था किस उम्र को कहा जाता है। शैशवावस्था को मैं बता दिया हूँ। उसके बाद बाल विकास की जो प्रक्रिया होती है कैसी होती है, तो देखिए जो बाल विकास की जो प्रक्रिया होती है वो आपका यह हमेशा एक जैसी ही होती है। बाल विकास की जो प्रक्रिया होती है एक जैसी होती है। बच्चों के सामाजिक विकास से क्या तात्पर्य है, देखिए बच्चों का जो सामाजिक विकास है उससे क्या तात्पर्य है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, बच्चों के अपने समूह में ठीक प्रकार का समायोजन करना। टीटी का जो है एग्ज़ाम आपका 18 सितंबर को है, इसलिए मैं आप सभी को करा रहा हूँ। आज 9 सितंबर है, यानी कि आपके पास 8 दिन शेष बचे हैं, ठीक है। कितने दिन बचे हैं, 8 दिन शेष बचे हैं, इसीलिए आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। एग्ज़ाम में क्या पता ऐसे ही प्रश्न पूछा जा सकता है, इसीलिए मैं एक वीडियो खास तौर पर लाया हूँ शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए, ठीक है। और जो लोग व्यापम की तैयारी करना चाहते हैं जैसे हॉस्टल वार्डन, अमीन पटवारी या एडियो की, तो वो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पूरी क्लासेस अपलोड कर दी गई है, ठीक है। और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, जिससे हाँ बिल्कुल जिससे वीडियो को हाँ मनोबल बढ़ सके, ठीक है। 9वां प्रश्न है मानसिक बुद्धि सिद्धांत किससे संबंधित है, जो मानसिक बुद्धि का सिद्धांत है किससे संबंधित है, वो थार्नाडाइक से संबंधित है। किससे संबंधित, थार्नाडाइक। एग्जाम में क्या पता ऐसे ही प्रश्न पूछा जाएगा, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं बार बार, एक बार वीडियो को जरूर देख के जाएं, ठीक है। बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति चाहता है, देखिए 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी को लोग कराएंगे, 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से, ठीक है। तो देखिए बालक अपने व्यवहार की जो सामाजिक स्वीकृति चाहता है वो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी, किशोरावस्था में, ठीक है। नेक्स्ट है बौद्धिक विकास का प्रभावित करने वाला सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक जो कि कौन सा है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, परिवार का वातावरण। देखिए जो परिवार में जैसे ही जो भी मतलब जैसे काम करते हैं ना, परिवार का वातावरण होता है, जैसे फैमिली बात बात करते हैं या फिर कुछ, ये देखिए यहाँ पर बौद्धिक विकास, जैसे परिवार जैसे जैसे बोलेगा बच्चे वैसे सीखते जाते हैं, ठीक है। सामाजिक बुद्धिमत्ता की अवधारणा का प्रतिपादन किससे किया गया है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, जल्दी बताइए, 12वां का आंसर ए, थार्नाडाइक, ठीक है। सामाजिक जो बुद्धिमत्ता होती है वो आपका थार्नाडाइक से संबंधित है। वंश क्रम की संबंधित शिक्षा किससे है, जो वंश क्रम है, ठीक है, वंश क्रम है वो आपका शिक्षा किससे संबंध है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समानता का नियम, विभिन्नता का नियम, साथ ही यहाँ पर देखिए प्रत्यागन का नियम, यानी कि उपयुक्त सभी, ये सभी सही हैं। सामाजिक परिवर्तन संभव है, सामाजिक परिवर्तन संभव है। जो लोग चैनल पर जुड़ चुके हैं वीडियो को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन घंटी को ऑल पर सेट करके रखें, जब भी मैं ऐसे वीडियो रिलेटेड अपलोड करूँगा नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा। वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए हैं वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, इससे आपका मनोबल बढ़ेगा, ठीक है। मान लीजिए आप शिक्षक हैं, ठीक है, एक मिनट, यह क्वेश्चन आप सभी के लिए, मान लीजिए आप शिक्षक हैं, विद्यालय विलम्ब से पहुंचने पर प्रधानाचार्य द्वारा उपस्थिति पंजिका में निशान लगा देने पर, ठीक है, आप क्या होगा, तो चलिए अपनी गलती स्वीकार कर लेंगे, या फिर सेकंड है दूसरे दिन से समय में आने का प्रयास करेंगे, या फिर प्रधानाचार्य को देर से आने की सफाई देंगे, या फिर विलंब से आने वाले अन्य प्राध्यापकों को उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, तो चलिए इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताएं। बहुत लोगों का आंसर आ चुका है, 6 से 7 लोगों का आंसर आ चुका है और उनका सही हुआ है। इसका आंसर कौन सा होगा, दूसरे दिन से आप
समय सही समय में आने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और 2 से 3 लोगों का आंसर आया है ये वाला, विलंब से आने वाले अध्यापकों का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, लेकिन ये वाला नहीं होगा, ठीक है। ये आपका ये होगा, क्योंकि आप एक बार गलती करोगे तो उसको, ठीक है ना, सुधारने का प्रयास करोगे ना, तो कल से फिर समय पर आएंगे, है ना। एक अच्छा अध्यापक बनने के लिए क्या आवश्यक है, तो चलिए देखिए, आप लोग शिक्षक की पेपर दिला रहे हैं, ठीक है, शिक्षक पात्रता की, आप शिक्षक भर्ती से संबंधित क्लासेस देख रहे हैं, तो आप सभी के लिए क्वेश्चन है, एक अच्छा अध्यापक बनने के लिए क्या आवश्यक है, अब उसके क्या गुण होना चाहिए। तो चलिए, समृद्ध परिवेश और ऊँची पहुँच, या फिर व्यक्तिगत प्रयास एवं उपयुक्त प्रशिक्षण, या फिर स्वस्थ शरीर व खानदानी संपन्नता, या फिर उपयुक्त शिक्षा, या फिर आर्थिक संरचना। तो इसका आंसर भी होगा व्यक्तिगत प्रयास और उपयुक्त प्रशिक्षण। एक अच्छा अध्यापक बनने के लिए व्यक्ति के पास क्या होना चाहिए, एक प्रशिक्षण होना चाहिए जो बच्चों को अच्छे से शिक्षा ग्रहण करवा सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, अध्यापक के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है, तो अध्यापक के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है, इसका आंसर डी होगा, अध्यापक के लिए उत्तरदायित्व का निर्वहन, ठीक है। अच्छा अध्यापक वही हो सकता है, क्या होता है, इसका PDF पाने के लिए क्या करोगे, जो लोग PDF पाना चाहते हैं तो वीडियो को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है, और WhatsApp ग्रुप में यह PDF मिलेगा आपको, ठीक है, WhatsApp ग्रुप में PDF मिलेगा, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिया गया है, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। PDF पाने के लिए एक बार चैनल को क्या करोगे, सब्सक्राइब व लाइक करके रख लोगे, ठीक है। अच्छा अध्यापक वही हो सकता है, क्या होगा इसका आंसर, चलिए बताइए, अपने विषय का अच्छा ज्ञान रखना, बिल्कुल सही। कक्षा शिक्षण तथा तब अच्छा होता है जब से कक्षा के सभी छात्र क्या करेंगे, देखिए एक बार और बताऊँ, 5वीं से 8वीं जो कि 18 सितंबर को एग्जाम है, प्रथम पाली में होगा, उसका सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में रह सकता है। और देखिए 5वीं से 8वीं के लिए, 0 से 5वीं के लिए, 1ली से 5वीं के लिए, एक मिनट, यहाँ पर पहली आएगा ना, 1ली से 5वीं तक के लिए, देखिए यहाँ पर सुबह के रहेगा पाली में, और 5वीं से 8वीं के लिए द्वितीय पाली में रहेगा। चलिए नेक्स्ट है, यदि पूर्व ज्ञान का अनुभव नए प्रकार के सीखने सहायता देता है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, तो इसका आंसर ए होगा, सकारात्मक प्रशिक्षण, ठीक है। अधिगम एक क्या है, अधिगम क्या होता है जल्दी बताइए, अधिगम एक व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है, सीखी हुई बात को स्मरण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए, ठीक है, विस्मृति कहते हैं, ठीक है। विषय में परिवर्तन बालकों को ध्यान को केंद्रित करने का एक क्या तरीका होता है, जल्दी बताइए, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दें, ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दें। चलिए नेक्स्ट है, जानना अनुभव करना या इच्छा करना 3 पहलू हैं, ठीक है, जानना या अनुभव करना और इच्छा करना, ये 3 पहलू हैं, तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही देखिए, चलिए बहुत लोगों का आंसर आ रहा है, देखिए 12 से 13 लोगों का आंसर आ चुका है, ठीक, 12 से 13 लोगों का आंसर आ रहा है, सी आंसर आ रहा है, रुचि के, तो ये बिल्कुल सही है, जानना अनुभव करना इच्छा करना क्या है, ये सब रुचि होता है, ठीक है। व्यक्ति के सीखने के मात्रा तथा कुशलता पर अनेक प्रकार का प्रभाव पड़ता है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, कारकों के प्रभाव पर, ठीक है, व्यक्ति जो सीखता है कारक के प्रभाव पर सीखता है। कोहलर ने अपने प्रसिद्ध प्रयोग किस पर किया था, देखिए ये एग्जाम में आएगा ही, कोहलर ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किस पर किया था, तो भूखे चिंपांजी पर किया था, एक चिंपांजी होता है, और एक कई कई एग्जाम में क्या लिखा होगा, वन मानुष लिखा होगा, ठीक है, जबकि ये इम्पोर्टेंट चिंपांजी पर है, कोहलर ने अपना प्रसिद्ध चिंपांजी पर किया था, जो कि भूखे चिंपांजी पर किया था, जिनका नाम सुल्तान था, क्या था, सुल्तान। इन्होंने चिंपांजी पर 2 तरह से प्रयोग किया था, कौन सा, कुल 6 चिंपांजी पर प्रयोग, जीव जंतु व वातावरण पर प्रतिक्षिकरण करता है, उसके आधार पर उसमें सूझबूझ उत्पन्न कर उस समस्या का समाधान करना सीख लेता है। मनोवैज्ञानिक ने निम्न में से किस मानसिक खोज की थी, किसकी मानसिक खोज की थी मनोवैज्ञानिक ने, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा तर्क करना, यानी कि तर्क लगाना, मनोवैज्ञानिक की खोज तर्क लगाना है। 28वां क्वेश्चन है, असामान्य व्यवहार का कारण क्या है, जो असामान्य व्यवहार होता है इसका कारण क्या होता है, तो इसका आंसर सी होगा, मानसिक दोषों को माना जाता है, जो अव्यवहार होता है, असामान्य होता है, ठीक है, अव्यवहारिक मानसिक तनाव होता है, ठीक है, एक प्रकार का। 29वां क्वेश्चन है, ये है, व्यक्तिगत को प्रभावित करने वाले अनुवांशिक तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, जीन्स, ठीक है, व्यक्ति को प्रभावित करने के लिए अनुवांशिक होता है जीन्स का प्रयोग करना,
चलिए इसके बाद देखिए, एक मिनट ना, तीसवा क्वेश्चन आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तीसवा और इकतीसवा क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन है, ये आप कमेंट में ज़रूर बताएं। जिन लोगों को आंसर आएगा वही कमेंट करें, ठीक है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं 18 सितंबर की, वो इसका, हाँ बिल्कुल, मौलिक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता कौन होते हैं, तो इसका आंसर कौन सा आएगा जल्दी बताइएगा। दो से तीन लोगों का आंसर बस आया है इसमें, दो से तीन लोगों का आंसर, अरे सॉरी, चार से पांच लोगों का आ रहा है, चार से पांच लोगों का आ रहा है आंसर, चार से पांच लोगों का आंसर आया है। मौलिक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता कौन होते हैं, छात्र या प्रधानाचार्य या प्रबंधक या विशेषज्ञ, इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और एक सभी के लिए क्वेश्चन है, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है, किशोरावस्था के प्रमुख समस्या क्या है, वजन बढ़ाने को या शिक्षा की समायोजन की अच्छे परिणाम, अच्छे परीक्षा परिणाम देने की, इसका भी आंसर कमेंट में जरूर बताएं। आप सभी के लिए दोनों क्वेश्चन है, ठीक है। जो लोग चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, साथ ही एडियो या व्यापम की तैयारी करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए और वहाँ पूरा क्लासेस अध्ययन कर लीजिएगा, ठीक।